हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम प्रतीक कुमार फ्रॉम सूरत स्कूल रेवाड़ी. टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द टॉपिक पॉलीनोमियल्स, दैट इज चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 9th. टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1. द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो. क्लियर? टुडे आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.1. सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not. So beta, jo first question hai na, usme hame give hame ye batana hai ki which of the following expressions, ki kaun se expressions kya honge polynomial in one variable, polynomial honge kisme, one variable mein. Clear? And which are not, aur kaun se nahi honge. To dekho, first part ki baat karta hu main. First part kya hame 4x² - 3x + 7 hai na. Yahan par dekho, मैंने कहा था वेरिएबल टर्म कौन सी होती है जिस टर्म में क्या कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर हो, वो कैसी टर्म होगी? वेरिएबल टर्म. तो 4x² यहाँ पे x के अलावा, इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो x के अलावा कोई और अल्फाबेटिकल लेटर नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ वन ही वेरिएबल है, वो कौन सा? x. तो ये क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट 4x² - 3x + 7 इज ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल. तो ये बेटा क्या होगा, वन वेरिएबल में होगा ये पॉलीनोमियल. सेकंड चेक करो, सेकंड देखो y² + √2, यहां पर वेरिएबल टर्म कौन सी है? y² y के अलावा कोई और वेरिएबल है यहाँ पे? नहीं है ना. तो ये पॉलीनोमियल भी क्या होगा? पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल. क्लियर? थर्ड चेक करते हैं, देखो 3√t प्लस में √2. अब देखो बेटा, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2. रूट टी का मतलब क्या होता है? टी रेज टू पावर 1/2. तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 × t⁻⁷. अब क्या ये पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल होगा बेटा? कहोगे यस सर, कि इसमें तो एक ही वेरिएबल है टी, टी के अलावा कोई वेरिएबल नहीं. लेकिन बेटा ध्यान देना, ये पॉलीनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? सिंपल होल नंबर में होनी चाहिए, या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही डेसिमल पॉइंट में होनी चाहिए, या ना नेगेटिव होनी चाहिए. इसका मतलब 1/2 कैसा है? फ्रैक्शन में. तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा. क्या लिखोगे? इट इज़ नॉट ए पॉलीनोमियल. जब ये पॉलीनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या करेगा? ठीक है, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल. आगे समझ में? तो क्या कहोगे बेटा, ये पॉलीनोमियल ही नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म की पावर क्या आ रही है? फ्रैक्शन में. और वेरिएबल टर्म की पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलीनोमियल नहीं होता. क्लियर? हम नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन बेटा? y + 2/y. अब ध्यान देना, y प्लस ये y नीचे इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं होता, उसकी पावर क्या होगी? 1. इसको ऊपर लेके जाओगे तो y की पावर क्या हो जाएगी? -1. ठीक है, तो हम जो पॉलीनोमियल है पहले उसको उसकी जनरल फॉर्म में लिखते हैं. उस फॉर्म में लिखा हमने तो y + 2y⁻⁴. अब यहाँ पर देखना, y की पावर कैसी आ गई? नेगेटिव. और अगर y की पावर नेगेटिव आ गई तो ये पॉलीनोमियल होगा. तो क्या लिखोगे? इट इज़ नॉट ए पॉलीनोमियल. तो ये भी क्या नहीं होगा बेटा? पॉलीनोमियल. तो दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल. क्लियर? तो जो फोर्थ पार्ट है वो भी आपका क्या नहीं होगा? पॉलीनोमियल नहीं होगा. अब फिफ्थ पार्ट को ध्यान से देखो. फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन x⁻⁷ + y⁻³ + t⁻⁵. क्या ये पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है? सबसे पहले ये चेक करना होगा कि वो पॉलीनोमियल है या नहीं. तो देखो, पॉलीनोमियल तो है क्योंकि सारी पावर कैसी है? पॉजिटिव है. तो सिंपल सी बात है, दिस इज ए पॉलीनोमियल. अब ये चेक करना है कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं. तो देखो, यहाँ पर एक वेरिएबल x हो गया, y हो गया, t हो गया, तो ये क्या वन वेरिएबल में है? तो क्या लिखोगे? दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल बट इट इज इन 3 वेरिएबल. कितने वेरिएबल है बेटा यहाँ पे? 3 वेरिएबल. तो क्या लिखोगे? दिस पॉलीनोमियल इज इन 3 वेरिएबल. 3 वेरिएबल्स में होगा. आगे बात समझ, वन वेरिएबल में ये नहीं होगा. क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो. देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमें क्या लिखना है? राइट द कोफिशियंट ऑफ x²
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, उनमें हमें क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा। किसका कोफिशियंट बताना बेटा? सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताना है। तो इसमें देखो, पहले फर्स्ट पार्ट है अपने पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें आपको एक्स स्क्वायर कौन सा, ये वाला एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी, ये। तो 2 एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। इसको एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। तो इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1। तो इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, 1। सेकंड में देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स है ना वो एक्स स्क्वायर, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 से। तो माइनस 1 क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, माइनस 1 इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपसे x का पूछता तो क्या होता, सिंपल यहाँ पे x, सॉरी यही नहीं, x क्यूब का पूछता तो 1 आता। आपसे किसका पूछा है, कोफिशियंट x स्क्वायर का, तो क्या वो लिखोगे, माइनस 1। ठीक है, थर्ड पार्ट में चेक करो आप, देखो थर्ड पार्ट क्या गिवन हमें, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, पाई अपॉन 2 से। तो पाई अपॉन 2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा। पाई अपॉन 2 क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देखो, अब इसमें क्या आपके पास एक्स स्क्वायर कहीं पे है, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, 0। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0। 0 होगा ना बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कहाँ से आएगा। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, विल बी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक, देखो बेटा, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बाइनोमियल और मोनोमियल में डिफरेंस समझो आप। बाइनोमियल होता है हैविंग टू टर्म्स, जिसमें कितनी टर्म हो बेटा, 2 टर्म्स। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म हो, ओनली 1 टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो उसको हम बोलेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ क्या हो, 1 टर्म हो बेटा, उसको हम बोलेंगे ए पॉलिनोमियल दैट कंटेन ओनली 1 टर्म इज नोन एज मोनोमियल, एंड ए पॉलिनोमियल दैट कंटेन 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। तो हमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है, एक मोनोमियल का। बाइनोमियल का जो एग्जांपल देना है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो देखो कैसे बाइनोमियल का एग्जांपल देते हैं, तो मैं लिखता हूँ 2x रेज टू पावर, बस ध्यान रखना डिग्री, यानी कि डिग्री का मतलब पावर, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, प्लस में 5। तो ये क्या हो गया, दो टर्म है ना यहाँ पे, एक तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, एक ही वेरिएबल टर्म, 1 और 2 टर्म हो गई। तो ये कैसा होगा बाइनोमियल, ये पॉलिनोमियल कैसा कहलाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कितनी है इसकी डिग्री बेटा, 35। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, x की पावर 35 प्लस में 3x, x की पावर 35 प्लस में 7, 3x की पावर 35, इसके आगे 5 लगा दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ध्यान क्या रखना, सिर्फ 2 ही टर्म होनी चाहिए, दैट पॉलिनोमियल कंटेन ओनली 2 टर्म्स। और सेकंड बात जो ध्यान देने की, वो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35। ठीक है, तो वो एग्जांपल होगा वो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्लियर, अब हमें मोनोमियल का बताना है ऑफ डिग्री 100। इसका मतलब मोनोमियल का मतलब दैट पॉलिनोमियल दैट कंटेन ओनली 1 टर्म, एक्स रेज टू पावर 100, वाई रेज टू पावर 100, ए रेज टू पावर 100, बी रेज टू पावर 100, कुछ भी लिख दो, 2b रेज टू पावर, 3a रेज टू पावर 100, 4y रेज टू पावर 100, कितने भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन ध्यान देना ऐसे मत लिख देना कि 2 की पावर 100, तो ये आपके पास मोनोमियल नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये मोनोमियल नहीं होगा, क्योंकि डिग्री किसकी काउंट की जाती है, सिर्फ वेरिएबल टर्म की। किसकी काउंट की जाती है, वेरिएबल टर्म की ही डिग्री काउंट होती है। तो आपको कोई भी एक टर्म लिखनी है वो वेरिएबल होनी चाहिए, उसकी पावर आप क्या लिखोगे, 100। तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, उनकी हमें डिग्री बतानी है।
और डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल मैंने आपको बताया था द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल टर्म, कि जो आपके पास वेरिएबल टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो इस पॉलीनोमियल में देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है ना, तो ये कैसा पॉलीनोमियल होगा, इसको क्या लिखोगे बेटा, 3 डिग्री पॉलीनोमियल, क्या लिखोगे, 3 डिग्री पॉलीनोमियल। अब इसमें चेक करो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये कैसा होगा, 2 डिग्री पॉलीनोमियल। इसमें पी की पावर कुछ नहीं, तो 1 तो अंडरस्टूड होता है, अगर पावर कुछ भी नहीं दी रखी हो तो पावर क्या होती है, 1, तो इसकी ये क्या होगा, 1 डिग्री पॉलीनोमियल, कैसा होगा, 1 डिग्री पॉलीनोमियल। क्लियर बेटा, फोर्थ पार्ट 3 गिवन आपको, 3 कैसी टर्म, एक कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री है बेटा वो क्या होती है, 0, द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट 0 डिग्री पॉलीनोमियल, द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलीनोमियल इज 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते भी हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो क्या लिखोगे, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलीनोमियल इज 0। ठीक है, तो बेटा ये आपके एक्सरसाइज 2.1 लास्ट क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लेना, बहुत ईजी है, उसमें ये बताना है लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक या पॉलीनोमियल। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलीनोमियल किस में, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1, तो लीनियर पॉलीनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिस पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, तो वो पॉलीनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक कौन सा होगा, जिसमें वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी होगी बेटा, 3, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो आप जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें चेक करना कि 2 डिग्री पॉलीनोमियल कौन सा है, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 1 डिग्री को लीनियर और 3 डिग्री को क्वाड्रेटिक। तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद सोल्व कर लोगे। तो 2.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत है बेटा, ओके बाय स्टूडेंट्स।